भूजा था, कल ही भूजा था ना शायद, इसमें मखाना भूजा था। तो ये मखाना बहुत ही टेस्टी है, कल से लेकर आज तक मैंने पूरे डब्बे खत्म कर दिए, ये मेरे को लगता है लास्ट होगा। या और थे ये छाता लेके जा रहे थे, तो इनकी छाता ले लिया हूँ मैं और इनके साथ जा रहा हूँ। यार हम पहले ऐसे एक्सट्रीम वीडियोस बनाते थे ना, अभी कैसे वैसा वीडियोस नहीं बना सकते करके नहीं। हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा मूसली और दूध पीने के लिए। और रश्मि का तो सुबह की उठी है, बेचारी का खाना वाना सब हो चुका है ना। कितने बजे उठी है? मेरा खाना वाना सब हो गया, ये अभी नाश्ता। हाँ, और ये सुबह, और मैं उठा भी कैसे, मैं आप लोगों को बताऊँ। सुबह से इसका है ना ओल्ड 90s के सॉन्ग होते हैं, 90s के हिट सॉन्ग, तो वो सारे गाने बजा रही है। देखो यहाँ पे आपको नजर आता होगा, और सारे गाने एकदम, वो आदमी को नहीं उठना रहेगा तो भी सुन के उठने वाले गाने होते हैं ना, मेरे लिए बजा रही थी। सच बता, सारे सारे गोविंदा के सॉन्ग बजा रही है, सलमान खान के सॉन्ग बजा रही है, जो 90s के हिट सॉन्ग है उसमें से बोल रही है, ये मेरा फेवरेट था, वो मेरा फेवरेट था, करीना कपूर मेरी फेवरेट थी, करिश्मा कपूर मेरी फेवरेट थी। तो वैसे 90s के सॉन्ग तो यार नो डाउट, आज भी सुनने में इतना अच्छा लगता है ना, आज भी सुनने में ऐसा लगता है कि लगा दो यार, जिसको नहीं नाचना रहेगा वो भी नाचेगा, ऐसे ऐसे सॉन्ग्स थे 90s के। अभी शाम हो चुकी है और रश्मिता ने ये देखो क्या भूजा था, कल ही भूजा था ना शायद, इसमें मखाना भूजा था। तो ये मखाना बहुत ही टेस्टी है, कल से लेकर आज तक मैंने पूरे डब्बे खत्म कर दिए, ये मेरे को लगता है लास्ट होगा। या और है बचा, थोड़ा सा बचा है ना, ये खत्म कर दिया, बहुत अच्छा लगता है यार ये, मतलब खा सकते हैं आदमी, ये एक तरीके का स्नैक्स टाइप हो जाता है। अगर आप चाय पी रहे हो या फिर आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हो तो ये आप ज़रूर खा सकते हो, मैं तो पर्सनल रिकमेंड करूँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये खाता हूँ। तो अभी मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए और टाइम हो रहा है करीबन 7:15, और मैं आज जल्दी जिम निकल रहा हूँ क्योंकि हम लोग को आने के बाद वीडियोज़ भी बनाने हैं। और जैसे आपने देखा कि मैं 2-3 दिन जिम नहीं किया था, मेरा ऐसे ही हो रहा है, अगर मैंने कोई भी मसल वर्कआउट किया ना उसके बाद क्या हो जा रहा है कि मेरे को छुट्टी लग जा रही है। मतलब कल भी हम लोग को, कल कहाँ जाना है? हॉस्पिटल। हाँ, कल हम लोग को हॉस्पिटल जाना है, कल 7th month की सोनोग्राफी है। तो कल अगर हम लोग 4 बजे जाएंगे तो हम लोग पूरा, मेरे को लगता है रात हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि कल मैं मॉर्निंग में ही जिम चला जाऊँ 4 बजे से पहले, ये मैंने सोचा है। तो वो जैसा होगा वो देखा जाएगा, फिलहाल अभी मैं निकलता हूँ जिम करके आता हूँ, उसके बाद वीडियोज बनाएंगे। तो अभी जल्दी जल्दी जाते हैं, वर्कआउट करके आते हैं। मेरा साइज वगैरह देख सकते हो आप लोग, बाइसेप्स वगैरह का कितना छोटा हो चुका है, बट मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जब भी मैं रेगुलर हो जाऊंगा ये विदिन अ मंथ, 1 महीने के अंदर साइज वगैरह प्रॉपर हो जाएगा। बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम है, ठीक है, बट मुझे पता है कि कम है। तो अभी जाते हैं वर्कआउट करते हैं, आज शोल्डर मारूंगा और थोड़ा कार्डियो वगैरह करूंगा फटाक से, और 600 या 500 कैलोरी लूज करके घर पे आ जाएंगे। चल चुका है मेरा, बट बारिश देखो कितनी बारिश आ रही है, और मैंने छाता वगैरह भी नहीं लाया। तो अभी क्या रुकेंगे इधर 5-10 मिनट और क्या, बाकी बारिश देखो। नाइस, घर पहुंच जाता तब आता तो क्या प्रॉब्लम था भाई, बट ठीक है। तो बारिश तो आ ही रही है बट इतनी ज़्यादा नहीं आ रही कि भीग जाऊँगा, तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब चल चल के ही चलो, थोड़ा बहुत बारिश तो लगेगी, तो फटाफट चल चल के घर पहुंचता हूँ, उसके बाद रश्मिता को लेता हूँ और उसको नारियल पानी वगैरह पीना है, तो तभी जाते ही फटाफट घर पहुंचता हूँ। चलो, ये जो भाई थे ये छाता लेके जा रहे थे, तो इनकी छाता ले लिया हूँ मैं और इनके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे जाना है वहाँ इनको भी जाना है, वहीं ड्यूटी है। तो अभी चलता हूँ फटाफट, सहारा बोलते ना तिनके को, किसी का तो सहारा मिल गया, ये सहारे वाले आदमी है भाई। चलो पहुँचते, एक भगवान की तरह। अरे तुम भगवान ही हो मेरे लिए भाई, अभी वरना मैं भीग जाता, साथीदार हो तुम मेरे। हाँ, क्या हो साथीदार। फाइनली कैसे तो भी करके मैं पहुँच गया, क्योंकि वो जो वहाँ पे उनकी नौकरी लगी थी मेरे बिल्डिंग के नीचे, तो उनके छाता पकड़ के मैं भी आ गया हूँ। अब मुझे फटक से नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी पार्किंग जो है वो खाली है, तो वहाँ पे मुझे अपनी गाड़ी डालना पड़ेगा। तो फटाफट जाता हूँ, गाड़ी की चाबी लेता हूँ MG Hector की और पार्किंग में लगा देता हूँ, और फिर उसके बाद रश्मिता को भैया क्या। चलो
फाइनली पोस्ट हो गए हम लोग अपने। तो अभी जो हम लोगों ने रील बनाया ना वो बहुत ही खतरनाक रील था भाई। अभी वो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे या इसमें भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, बहुत फनी रील था वो। तो अभी कैसा थोड़ा रश्मिता की तबीयत खराब है, वरना हम लोग इतने एक्सट्रीम लेवल तक रील बना सकते हैं ना बहुत। बट ठीक है, अभी कुछ दिन बाद हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे और वैसे ही सेम एंटरटेनमेंट रखेंगे जैसा आप लोगों को हम लोग पहले रखते थे। बट अभी फ़िलहाल थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा लिमिटेड रखना पड़ता है। तो अभी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखा यार हम पहले ऐसे एक्सट्रीम वीडियोस बनाते थे ना, अभी कैसे वैसे वीडियोस नहीं बना सकते करके नहीं। बट ठीक है, आगे चल के बनाएंगे हम लोग। हम लोग खुद के कंटेंट देख देख के बहुत हंसते हैं भाई। अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ एडिटिंग, देखो कितना करना पड़ता है। ये देखो अभी ये पूरा एडिट करने के बाद इसका टाइमलाइन अगर आप लोग देखोगे तो कैसे तैयार किया है, कहाँ कहाँ म्यूजिक डालना है, कहाँ कहाँ कौन सी म्यूजिक रहना चाहिए। बट ये वीडियो आप लोग को मजा आएगा देखना। आप लोग एक ही लाइन में नहीं आएगा क्या? आ जाएगा बट वो कटेगा ना, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा हल्का सा ही रख शायद, मैं समझ रही ना, थोड़ा सा ही बाद में घटा देना ऐसा। बस फिर व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करता हूँ। अगर आप लोग को मजा आया होगा आज के व्लॉग में तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं जब बाहर गया था नारियल पानी लाने तो फिर मैं आम भी लेके आया था वहाँ से, तो रश्मिता आप लोग को पता है कि आम बहुत अच्छा लगता है उसको, तो उसने हाँ टेस्ट नहीं था बट उसने दो तीन आम तो उसने खा लिए भाई, इतना तो पक्का है। कितने खाए, कितने आम खाए? एक ही आम खाए, झूठ मत बोल। सच में एक ही खाए? तो खत्म कैसे हो गया, क्या बता, मेरे को भी याद नहीं मैंने खाया कि नहीं खाया। बट हाँ मैं एक चीज बता रहा हूँ जो मैं दो दिन से बोल रहा हूँ, मखाना अगर आप लोग थोड़ा फ्राई करके खाते हो ना, मेरा तो पूरा डब्बा खत्म है, कहाँ रख दिया ना मैंने, पूरा डब्बा एक दिन में खत्म कर दिया हूँ मैं। वैसे इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए बट फिर भी थोड़ा टाइम पास जैसा खा खा के। तो आप लोग भी हाँ, तो कल मैं वापिस से मंगाने वाला हूँ, तो कल ड्राई फ्रूट्स वाला और रश्मिता के लिए भी अच्छा है खाने के लिए। तो आप लोग भी एक हेल्दी स्नैक्स खा सकते हो कभी भी अगर आपको कुछ खाने का क्रेविंग हुआ तो वो एक अच्छा। और जिम भी आज जाके आया तो फिर बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस फिर अगर आप लोग को आज के ब्लॉग में मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी हम लोगों का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, कि जो भी आप लोग ने रील्स पे देखा होगा या यहाँ पे देखा होगा तो नीचे कमेंट करके बता देना कैसा लगा, क्योंकि हम लोग हमारी तरफ से कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाए ब्लॉग, थोड़ा अच्छे से बनाए। तो रील्स पे तो ऐसे ही थोड़ी मस्ती रहती है, हम लोग सच बता रहे, मतलब हम लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल भी कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल वही है कि रश्मिता प्रेगनेंसी में, तो फिर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल नहीं हम लोग वीडियो बनाते हैं। बट हाँ ठीक है, जब सब चीज़ ओके हो जाएगी तो आगे चल के आपको रील्स पे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तब तक मैं मिलता हूँ आप लोग कल, बाय बाय, सी यू, लव यू, टाटा, मिलते हैं कल, बाय। अरे आ गए, एक सेकंड, एक सेकंड बाबू, हमको आशीर्वाद दो। ये क्या कर रही हो? आशीर्वाद तो दो। अरे पर क्या है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है बाबू। रील बना रहे थे अभी ना इंस्टाग्राम पे, हमारे 800 फॉलोअर्स हो गए थोड़े दिन में, देख रहे बहुत फेमस हो जाएंगे। इंस्टाग्राम का है बाबू, इंस्टाग्राम होता है उससे ना हम बिग बॉस में भी चले जाएंगे। अच्छा, अरे वाह, दू तो नहा पू तो फलो। बाबू जल्दी हो, जल्दी। क्या हुआ? अभी ना नया गाना चल रहा है हुसैन तेरे तौबा तौबा, वैसे करेंगे फेमस हो जाएंगे। क्या करना है? देखो ऐसे हाथ रखना है, ठीक है? ऐसे सोचो कि आप किसी को गोली मार रहे हो, ठीक है? आपके पैर में गोबर चिपका हुआ, ठीक है? मतलब गोबर साफ करना है, ठीक है? 1 2 3 हुसैन तेरा तौबा 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 तौबा, गोबर साफ नहीं हो रहा है। हुसैन तेरा तौबा की।